हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आसिफ आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी लवर्स में। तो मंडे है आज और मंडे को हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखते हैं और आगे आगे जैसे हमारे दिन बढ़ते चले जाएंगे, हम हर वीक में वीक के हर दिन में कोई ना कोई सब्जेक्ट का दिन बांट लेंगे। जैसे अभी हमने मंडे को हिस्ट्री का दिन रखा है, तो हिस्ट्री के नए 25 क्वेश्चंस जो कि नेट, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और बिहार एसएससी मेंस, दरोगा मेंस, रेलवे, इन सभी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी को ध्यान में रख कर करके ये क्वेश्चन तैयार किए गए। तो आपसे इतना कहूँगा कि बस वीडियो को पॉज कर कर करके आप प्लीज़ आंसर दिया कीजिए और लास्ट में आप अपने अटेम्प्ट्स को भी लिखिए कि आपने कितना अटेम्प्ट्स किया है। अगर 25 में किसी के 17 या 18 आ रहे हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मैं मानूंगा, क्योंकि क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर करके मॉडरेट लेवल पे रखा गया है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए रोपर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बनावली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट के निकट स्थित नहीं था? तो ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी कोट डीजी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोट डीजी। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्श को प्रचारित किया था किसने? ऑप्शन ए चार्वाक, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी जैमिनी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चार्वाक। अगला क्वेश्चन है, मगध की पहली राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगिरी, ऑप्शन डी चंपा। और इसका सही आंसर है मगध की पहली राजधानी राजगिरी यानी गिरिवर्ज थी, ऑप्शन सी। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी पारसी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? ऑप्शन ए असंग, ऑप्शन बी वसुवंत, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी दिड नाग। और इसका सही आंसर ऑप्शन सी नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण या डी कन्नव। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मौर्य। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवा के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राजाराम, ऑप्शन बी शिवाजी टू, ऑप्शन सी साहू या ऑप्शन डी संभाजी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी साहू जी। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा को मैकी या वेली कहा जाता है? ऑप्शन ए नाना फडणवीस, ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन डी बालाजी विश्वास। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाना फडणवीस। अभी चूंकि पानीपत फिल्म आई थी तो इसीलिए आपसे वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर मराठों के ऊपर अभी बहुत सारे फिल्म बने हैं तो मराठों से रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे? ऑप्शन ए विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाऊ, ऑप्शन ए विश्वास राव एवं मल्हार राव होलकर, ऑप्शन सी सदाशिव राव भाऊ एवं मल्हार राव होलकर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाऊ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का मध्यकाल में भारत आगमन हुआ? मध्यकाल में, मध्यकाल से पहले या बाद की बात नहीं हो रही है, तो पहला देख लेते कौन कौन से है। तो है यहाँ एक पुर्तगाली, दूसरा ब्रिटिश, तीसरा डच, चौथा डेनिश, पांचवा फ्रेंच, छठा स्वीडिश या सातवां फ्लैंडर्स। तो हम ऑप्शंस देख लेते क्या क्या है। ऑप्शन ए में है फ्लैंडर्स को छोड़ करके सभी, ऑप्शन बी में है स्वीडिश को छोड़ करके सभी, ऑप्शन सी में है फ्रेंच को छोड़कर सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। पुर्तगाली भी आए थे, ब्रिटिश,
डच भी आए थे, डेनिश भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, स्वीडिश भी आए थे और फ्लैंडर्स भी आए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर थी जबकि दूसरी मथुरा। दूसरा कथन है, कनिष्क ने भारत में मगध तक अपना साम्राज्य विस्तार किया तथा यहीं से वह विद्वान अश्वघोष को पेशावर ले गया। तो उपयुक्त में से कौन कौन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी दोनों, यानी दोनों सही है। यानी उसकी पहली राजधानी पेशावर थी और दूसरी मथुरा में थी, जो उसने स्थानांतरित किया था, और मगध तक उसकी साम्राज्य का विस्तार था, और अश्वघोष जो विद्वान थे उनको वो जो पेशावर ले गया, पेशावर को एक पुरुषपुर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? पहले हैं रॉबर्ट क्लाइव, दूसरे हैं विंसिटॉट, ऑप्शन फिर तीसरे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, चौथा है कार्टियर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2 3 4, ऑप्शन बी में है 1 2 4 3, ऑप्शन सी में है 2 3 4 1, ऑप्शन डी में है 3 2 4 1। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी पहले हैं रॉबर्ट क्लाइव, फिर विंसिटॉट, फिर उसका कार्टियर और लास्ट में वॉरेन हेस्टिंग्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो देख लेते हैं कौन कौन है। पहले हैं हैदराबाद के निजाम, फिर है अवध के नवाब, फिर है मैसूर के राजा और फिर है बंगाल के नवाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी लॉर्ड वेलेस्ली के साथ जो हैदराबाद के निज़ाम ने, अवध के नवाब ने और मैसूर के राजाओं ने संधि पर हस्ताक्षर किया, लेकिन बंगाल के नवाब ने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1843 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1853 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1863 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1873 ईस्वी में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1843 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के असत्यता पर विचार करें। तो पहला है, कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम इक्तादार था जिसे झांसी की इक्तादारी मिली। दूसरा, इक्तादार का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष का होता था। ऑप्शंस है ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, यानी दोनों में से कोई असत्य नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक को पहली बार जो वो थे वो उन्हें ही पहली बार इक्तादारी मिली थी झांसी की, और देने वाले थे मोहम्मद गौरी, उन्होंने ही इक्तादारी का स्टार्ट किया था। दूसरा, इक्तादार का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष का होता था। अगला क्वेश्चन है, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी गयासुद्दीन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा। दूसरा कथन है, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ। और इसका उपयुक्त में से कौन सही है? तो ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी दोनों सही है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं आगरा के गद्दी पे बैठा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से पूर्णिया स्थानांतरित की थी। दूसरा, मुगल बादशाह फर्रुख सियार ने उसे नासिर जंग की उपाधि दी थी। तीसरा, मुर्शिद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है। उपयुक्त में से असत्य है, केवल ऑप्शन ए में है केवल एक, ऑप्शन बी में है केवल दो, ऑप्शन सी में है एक और तीन, ऑप्शन डी में है एक और दो। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी केवल एक सही है, यानी मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से पूर्णिया नहीं बल्कि मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था, और उसे मुगल बादशाह फर्रुख शियर ने नासिर जंग की उपाधि दी थी। ये सही है
और उसे दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है, ये भी बात सही है। लेकिन उसने अपनी जो राजधानी है वो ढाका से पूर्णिया नहीं लाए थे बल्कि ढाका से मुर्शिदाबाद लाए थे, जो पश्चिम बंगाल में भी है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय नहीं लागू हुआ? ऑप्शन ए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी सम्मति आयु अधिनियम, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। और इसका सही आंसर ऑप्शन सी सम्मति आयु अधिनियम, ये लॉर्ड कैनिंग के समय में नहीं लागू हुआ था। ये जो है लॉर्ड लेसडाउन के समय में लागू हुआ था, और इसके अंतर्गत बाल विवाह जो है वो 12 वर्ष से कम आयु की जो शादी होती थी उसे अवैध घोषित दिया गया था और इसे प्रतिबंधित किया गया था, सॉरी अवैध नहीं प्रतिबंधित किया गया था, यानी 12 साल से कम उम्र के बच्चों की आप शादी नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थायी बंदोबस्त पुलिस व्यवस्था एवं सिविल सेवा के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए लॉर्ड कार्नेवेस, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड मियो। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कार्निवालिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, आंगल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ। दूसरा, यह सुगौली के संधि के बाद समाप्त हुआ। और तीसरा, इस संधि के अनुसार गढ़वाल हुमायूं शिमला रानीखेत एवं नैनीताल के क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए, उपयुक्त में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है? ऑप्शन ए सर जॉन शोर से, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली से, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स से, ऑप्शन डी लॉर्ड कार्निवल से। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स से। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय दलित वर्ग का संघ स्थापित किसने किया था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम द्वारा, ऑप्शन सी डी वी कालेकर द्वारा, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले द्वारा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी बी आर अम्बेडकर के द्वारा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब किया था? ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ अवार्ड्स के समय, ऑप्शन बी कलकत्ता के दंगों के समय, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह के समय, ऑप्शन डी दिल्ली दंगों के समय। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब किया था? ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ अवार्ड के समय, ऑप्शन बी कलकत्ता दंगों के समय, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह के समय, ऑप्शन डी दिल्ली दंगों के समय। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ अवार्ड के समय। कॉमनवेल्थ अवार्ड क्या है उसे हम लोग समझ लेते हैं। सन 1932 में जो ब्रिटिश जो सरकार थी वो ब्रिटिश शासन हर साल अपना जो है ना सामुदायिक पंजाब निकालती थी, तो उस समय 16 अगस्त 1932 को उन्होंने सामुदायिक पंचायत निकाला। उस समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। उन्होंने क्या किया था कि सिखों और मुसलमानों के अलावा दलितों को भी भारत में अल्पसंख्यक माना था। अल्पसंख्यक माना मतलब कि उन्हें हिंदू धर्म से अलग माना था। तो गांधी जी इससे खफा हो गए थे। उन्होंने ये माना कि ये हिंदू धर्म में बंटवारे की तरह है, ये दलितों को हिंदू धर्म से अलग करने के मतलब एक तरह से ज़्यादती है हमारे देश के ऊपर, हमारे हिंदू समाज के ऊपर, तो हमारे भारत के भविष्य के ऊपर, क्योंकि भारत में वो समझते थे कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित हो या उच्च जाति हो, किसी को भी अलग कर करके भारत का विकास नहीं किया जा सकता, ना ही भारत को ये स्वतंत्र कराया जा सकता है। तो उन्हें ये चीज़ पता, उन्होंने अंग्रेजों की चाल को समझा और चाल को समझने के बाद आमरण अनशन प्रारंभ किया। कहाँ? यरवदा जेल में, यरवदा सेंट्रल जेल में 20 सितंबर से उन्होंने स्टार्ट किया, यानी 16 अगस्त को ये पंचांट आया और उन्होंने 20 सितंबर से ये आमरण अनशन स्टार्ट किया। लेकिन ये क्या था, यहाँ पर एक और चीज़ थी, एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ से एक संधि निकल करके आती है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि महात्मा गांधी जो थे वो आमरण अनशन पर बैठे थे, और इसके विपरीत जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे वो जो थे वो इस तरह के जो पंचांट था उससे खुश थे। उसके बाद तकरार बढ़ने लगी दोनों में, तो फिर फेस में आते हैं मदन मोहन मालवीय, वो बीच में आए। उन्होंने गांधी जी को और जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन दोनों का एक जगह मिलन कराया,
कब कराया? 26 सितंबर 1932 को एक मिलन हुआ, कहाँ हुआ? पूना में हुआ। तो वहाँ पूना हुआ और वहाँ उन्होंने मतलब एक समझौता हुआ जिसे हम लोग पूना पैक्ट के तहत जानते हैं। इसमें क्या कहा गया? इसमें अंबेडकर साहब को ये बोला गया कि जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसमें अब दलितों को भी हिस्सेदारी दी जाएगी और 71 जो स्थान से सीट रिजर्व थे उनके लिए उसे बढ़ा कर करके 147 कर दिया गया। कितना? 71 से बढ़ा करके 141 कर दिया गया। तो इन सब जो थे इन सब मापदंडों के आधार पर ये पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच में। लेकिन ये एक और मज़ेदार फैक्ट ये है कि गांधी जी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था लेकिन इस पैक्ट पर गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था। हस्ताक्षर किनके किनके थे? वो थे अम्बेडकर जी के, मदन मोहन मालवीय के जो कि हिंदू पक्ष से थे, और दलित पक्ष से कौन थे? वो थे अम्बेडकर साहब। और बीच में जो कौन थे? वो थे सी राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी ने इस संधि पे हस्ताक्षर नहीं किया था लेकिन ये संधि कर हुई थी उन्हीं के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको लेक्चर कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपने स्कोर भी लिखे, पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, आसपास साफ़ सफाई बनाए रखें, पेड़ पौधों का ध्यान रखें। और हमारे वीडियो को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, पुराने हैं तो इसे शेयर कीजिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।